और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, सुमहा पुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर, कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं। हम उनसे कहते हैं, अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार है। रो कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर, और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो, और तुमको बहुत देर लग गई, और तुम इंतजार करती रही, जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए, तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना, आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा, मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठा कर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठा कर दुख काट दिया। हर महीने हम राज्य की परिक्रमा करने जाते हैं, प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्य और के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है, दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है, तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है, और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लौट लगा। अब साथ वाले कहें, गुरु जी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे दिखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे, मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो, मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना, कोई पानी ढोल गया गुस्सा नहीं करना, किसी ने कुछ बोल दिया गुस्सा नहीं करना, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना, अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ ज्यादा है, थोड़ी देर बैठ कर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो, हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो, देरी हो रही है कुछ, मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो, बाबा का जब दर्शन होगा जितनी देर मिलोगे ना उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना, बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है,
बड़ी किनारे। उसके करीब में जाकर गुस्सा नहीं, उसके करीब में जाकर क्रोध नहीं, उसके पास में जाकर अहंकार नहीं, उसके करीब में जाकर ईर्ष्या नहीं, उसके करीब में जाकर कृष्णा लोभ आसक्ति वासना नहीं। मेरे शंकर के करीब में जब जाओ, भीतर से सब समाप्त कर कर जाना, मेरा शंकर मिलेगा। जैसे ये इतने पत्र जो ये ढेर, ये जो पत्र पढ़े हैं ना, ऐसा ही पत्र, ये जो पत्र पढ़े, ये जो पत्र सम्मुख में आते हैं, ऐसे ही पत्र जिस दिन तुम विश्वास से मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकार लोगे, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ के सम्मुख में। विश्वास से पुकारोगे तब, दिखावे से नहीं। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। परमात्मा किसी गलत जगह पर मत जाओ, किसी गलत जगह पर मत बैठो, अपनी कीमत तो समझो। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मक्खी किराने की दुकान के सामान पर बैठती है, उसकी कोई